हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी चना दाल और पालक, जो बहुत ही ईजी है बनाना और ठंड के मौसम में तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और पालक में बहुत सारा आयरन और विटामिन रहता है, तो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है, ये चना का दाल है। मैंने 1 घंटे पहले इसको पानी में भिगोने के लिए छोड़ दिया था। उसको मैं कुकर में डाल दूंगी बॉयल होने के लिए। इसको मैंने धो लिया है अच्छी तरह से। तो 1 बाउल से थोड़ा सा कम चना दाल था, तो मैं 2 बाउल पानी डालूंगी इसमें। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सरसों का ऑयल। गैस को मैं ऑन कर लेती हूँ, उस पे दाल को चढ़ा दूंगी। 1 सीटी होने के बाद मैं इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगी 15 से 20 मिनट तक। जब तक दाल बॉयल हो रहा है तब तक मैं पालक को कट कर लूंगी। तो मैं इसको इस तरह से एक बंच बना लूंगी। पालक को मैंने पहले ही वॉश कर लिया है, तो पहले वॉश करने से अच्छा होता है कि सारी मिट्टी वगैरह निकल जाता है इससे। मैंने 500 ग्राम पालक लिया है, तो मैं पहले इस डंठल को काट लूंगी। डंठल को नहीं डालना है, जितना बारीक हो सके उतना आप काट सकते हैं इसको। साग को मैंने काट लिया है, तो मैंने ये 2 प्याज लिया है, 2 टमाटर और 4 हरी मिर्च, इसको भी मैं कट कर लूंगी। सबसे पहले मैं प्याज को कट कर लूंगी। इसको मैंने पहले ही धो लिया है। पालक और दाल में ना हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है हरी मिर्च डालने से। जितना बारीक हो सके उतना काट सकते हैं बारीक, टमाटर को भी। ये मैंने काट लिया है। ये मैंने लहसुन और अदरक लिया है, इसको मैं खल में कूट लूंगी। तो मैंने एक पैन लिया है, पैन गरम हो गया है, उसमें डाल देंगे सरसों का ऑयल 5 चम्मच। इसमें डाल देंगे दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ता, 1 टीस्पून जीरा, मीडियम फ्लेम पर इसको हल्का सा भून लेंगे। इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। मिर्च को हल्का पकने के बाद इसमें डाल देंगे प्याज, इसको भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर। इसमें अभी डालना है अदरक और लहसुन कूटा हुआ। हल्का सा भून जाने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी अदरक और लहसुन जो मैंने कूट लिया है। तो इसको मैं प्याज के साथ भून लूंगी गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देख सकते हैं आप, प्याज भून गया है, साथ में अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से भून गया है। इसमें डाल देंगे टमाटर, इसके साथ जाएगा 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून एवरेस्ट का सब्जी मसाला, और साथ में मैं डालूंगी इसमें नमक
टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने दाल में भी नमक डाला था तो इसलिए अब कम नमक लगेगा इसमें। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी मसाले को मिलाने के लिए, हाफ टी स्पून हल्दी भी डालेंगे इसमें। तो मैं इसमें मिर्ची का पाउडर नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाला है बहुत सारा काट कर। आप अगर तीखा पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं लाल मिर्च का पाउडर। मैं इसको ढक दूंगी पकने के लिए मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट। तो देख सकते हैं दाल बहुत अच्छी तरह से बॉयल हुआ है। तो मैं चेक कर लेती हूँ, 5 मिनट हो गए हैं, देख सकते हैं मसाला भी पक गया है और ऑयल सेपरेट होने लगा है मसाले से, टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है। तो इसमें मैं डाल दूंगी पालक, तो पालक से अभी पानी छोड़ेगा बहुत सारा, इसको हाई फ्लेम पे अभी पकाना है। पहले अच्छे से मसाले को मिला लेती हूँ इसमें। और धीरे धीरे पालक सॉफ्ट होता जाएगा, तो आप देखेंगे कि पालक का क्वांटिटी बहुत कम हो गया। तो इसको मैं ढक दूंगी 2 मिनट के लिए। तो मैं चेक कर लेती हूँ, 2 मिनट हो गए हैं। इसको मैं चला लूँगी, तो देख सकते हैं पालक सॉफ्ट हो गया है और इसका क्वांटिटी भी कितना कम हो गया है पानी छोड़ने के बाद। इसको अभी मैं हाई फ्लेम पर ही 5 मिनट के लिए ढक दूंगी। 5 मिनट हो गया है, मैं इसको देख लेती हूँ एक बार। देखिए इससे जो पानी निकला था वो भी बहुत सारा सूख गया है अब। और पालक को मैं अच्छी तरह से भून लूंगी, इसका पूरा पानी सुखा लूंगी भूनकर। इस टाइम पालक को हम चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है क्योंकि पानी सूख गया है, थोड़ा पानी है इसमें। इसमें डाल दूंगी मैं शुद्ध घी, इसमें मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो पालक भून गया है, अब इसमें डाल देंगे बॉयल किया हुआ दाल और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे इसमें। इसमें डाल देंगे हरा धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, तो इसको मिला लेंगे। तो इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। तो मैं देख लेती हूँ, 2 मिनट हो गए हैं। तो इसको देखिए दाल और पालक का कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से हो गया है। अब लगाऊंगी मैं इसमें तड़का, ये रेडी हो गया है। तड़का लगाने के लिए मैंने लिया एक कलछुल, 1/2 टीस्पून घी डालेंगे इसमें, 1/2 टीस्पून जीरा, सूखा लाल मिर्च 2, इसमें डालेंगे हींग 2 पिंच, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर, ये पक गया है। तो मैंने ये कलर के लिए डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च तीखा नहीं होता है, तो इसके ऊपर से डाल दूंगी तड़का को।
तो ये बनकर रेडी हो गया है। मेरा ये रेसिपी कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग भी इसी तरह से बना कर खाइएगा।